नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा के नीट परीक्षा के विरोध में युवा कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। आज युवा कांग्रेस विदिशा द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं भोपाल संभाग प्रभारी श्री शेख नारायण ओझा, कमल सिलकारी जी, मोहित रघुवंशी जी, वैभव भारद्वाज जी, असलम पटेल समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में नीट परीक्षा करवाने के निर्णय में विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसमें 16 लाख बच्चे बैठेंगे, उनकी जान को कोरोना से खतरा है और उनके परिवार को भी खतरा है, इसलिए यूथ कांग्रेस ने इसके विरोध में HRD के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही युवा कांग्रेस ने कहा है कि यह एक चाल है जिससे सरकार कॉलेजों से पैसे मिले, इसके लिए सरकार बच्चों की जान को भी खतरे में डालने को तैयार है, लेकिन यूथ कांग्रेस इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी एवं परीक्षा रद्द न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन करेगी। विदिशा से आशीष सहेले की यह रिपोर्ट, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार शिक्षा माफियाओं की दलाली करना बंद करे, छात्रों के भविष्य के बारे में देखे और परीक्षा को रद्द करे। घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में हर उस माता पिता के साथ खड़ा है, हर उस अभिभावक के साथ खड़ा है जिसके बच्चे को कार लेकर, जिसके बच्चे को एडमिट कार्ड थमा दिया गया है, जो उसको आने वाले दिन में परीक्षा देनी पड़ेगी, चाहे वो कोरोना से मर जाए या उसके साथ कोई भी घटनाएं घट जाए। ऐसी शर्मनाक स्थिति करने वाली सरकार के खिलाफ आज हम सभी यूथ कांग्रेस के साथ ही अपने DCC प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, कार्यवाहक प्रेसिडेंट, अपने अग्रजों के नेतृत्व में, हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वैभव जी के नेतृत्व में आज हम सब यहाँ आए हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है इस वैश्विक महामारी में, जहाँ एक और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के पालन की बात कही गई, इसीलिए हमने उग्र प्रदर्शन न करके शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन देने का आज प्रस्ताव रखा। मुझे पता चला कि उनका दरवाजा